गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग गाइज, आई होप आप सब ठीक हो। तो गाइज पिछले व्लॉग में कहा था कि नानी इज शिफ्टेड इन हर हाउस, तो उस वजह से मैं और नानी जा रहे हैं बाहर थोड़ी शॉपिंग करने। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को साथ लेके जाऊँ, बिकॉज नानी नीडिड सम फ्लावर्स प्लांट्स टू डेकोरेट हर हाउस। अब देखते हैं कि हमें कहाँ मिलता है कहाँ नहीं। एंड नानी को एक दो और चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं नानी को क्यों ना कहीं घुमाने लेके जाऊँ जहाँ बहुत सारी स्टोर्स हो, सुपरमार्केट्स हो, एंड जो जो नानी को चाहिए वहाँ चीज़ें अवेलेबल हो। तो यस, आज है मेरा और नानी का डे आउट एंड शॉपिंग भी है उसमें, सब कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर मोर। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं वेट कर रही हूँ नानी की। नानी आ जाएगी मेरे एरिया में एंड मेरे एरिया से ही होते हुए हम जाएंगे टू आवर मेन डेस्टिनेशन। एंड मैंने सोचा इस बहाने नानी का घूमना भी हो जाएगा और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इट इज़ विंडी आउट देयर बट धूप निकल आई है। सो यस, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद हम बाहर घूमने जा रहे हैं मैं और नानी। Because Nani was really, really, really busy towards her house. And you guys know कि अगर house change करने, like when you change a house, कितने सारे काम होते हैं, packings and all. So Nani उसमें उलझी हुई थी, सब हम सभी उलझे हुए थे उसमें basically. So हमें breathing का time ही नहीं मिला। तो I think आज वो time है, सामान मिले ना मिले but हमारा घूमना तो आज हो जाएगा। So yes, and मौसम भी बहुत अच्छा है, सो नानी चूज ए वेरी गुड डे टू गो आउट विद मी। सो यस गाइस लेट्स गो। अभी तक रोड वर्क ही चल रहा है, पूरा इस टाइम बंद है और वेदर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। थोड़ी देर में मेरी नानी आ रही होगी मेरे पास। के साथ साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइक इट्स विंडी, इट्स रियली रियली विंडी। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक नानी आई नहीं, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। बहुत प्यारी धूप भी है, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, इतनी दूर नहीं है। नानी मुझे छोड़ के जाने वाली थी पर मैंने बस पकड़ ली, बिकॉज मेरा ध्यान बस में नहीं था, मेरे फ़ोन में था। सो हाय नानी, हाय गो, हाय गाइस। तो आज हमारा डे आउट है और नानी मुझे ट्रीट करेंगे। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, हम आ रखे हैं बेकटन ट्रायंगल, जहाँ पर सारी बड़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी बड़ी सुपर स्टोर मार्केट है, सुपर स्टोर्स है, स्टोर है बेसिकली, जहाँ से हम घर की सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, लाइक एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं है। सो नानी को पहले करीज में जाना है, नानी आ साइड है, तो करीज में नानी को कुछ देखना है, बिकॉज द मेजरमेंट्स हमने स्पेशली मेजरमेंट्स लिए हैं कि घर में कैसा लाइक क्या फिट होगा। सो नानी नीड्स टू गो टू द करीज फर्स्ट एंड हियर इज नानी। पहले हम जा रहे हैं करीज में, नानी को दो तीन स्टोरों में और जाना है, उसके बाद हम कुछ खाएंगे, बट ये पहले शॉपिंग करेंगे फिर कुछ। सो यस गाइस स्टे ट्यून्ड। तू खुश है मेरे नाल? हाँ मैं तानु लेके आई हूं, नॉट यू। तो फिर लेके मैं आई है ना, फिर ट्रीट केरा दे रहा है सोच लो मैं, तो फिर नानी लेके आई है गाइस अगर नानी ट्रीट दे रही है तो। यस हम यही ये बहस कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं ख़त्म होगी, चलती जाएगी। तो यस काम करते हैं, करीज का काम हो चुका है। करीज में बेसिकली हम बस मेजरमेंट्स के बारे में पूछने गए थे, बिकॉज नए घर के मेजरमेंट्स थोड़े थोड़े छोटे हैं, सो वी नीडेड द एग्जैक्ट साइज। तो ये जब हम बाय करने आएंगे तब पूरा व्लॉग बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब हमारे साथ हमारी मम्मी भी आएगी, सो यस लाइक सब आएंगे जब हम खरीदने आएंगे, बिकॉज वी नीड टू बी श्योर कि हम खरीद रहे क्या है। मेजरमेंट्स बहुत लाइक इट हैज़ टू बी द परफेक्ट मेजरमेंट्स, ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो हमें फ्रिज, गैस, जो जिस घर का सामान चाहिए था उसका सबका ले लिया हमने। अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टोर में, अभी पता नहीं कौन से पर जा रहे हैं। बाय 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 नानी, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बाय पहले। अब हम आ चुके हैं B&M एंड यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत प्लांट्स मिलते हैं।
तो यहाँ गाइस एक सुपर स्टोर है सॉरी बेसिकली, एंड यहाँ पर प्लांट्स पौधे फ्लावर्स ग्रोसरीज सब कुछ मिलता है लाइक ऑल इन वन. एंड जो नानी को चाहिए समथिंग लाइक दैट. बट अब पता नहीं जो मेरी नानी पता नहीं नानी को पसंद आएगा भी या नहीं आएगा, खर्ज देर के पास इतने कलेक्शन नहीं हैं जो हम और देखें. सो लेट्स सी वेयर नानी गोज नाउ. मैंने मुझे कहा कि कोई ड्रिंक लेना है तो ले लो, एंड मैंने कहा नहीं, पर मुझे चॉकलेट स्वीट्स जहाँ दिखती है मुझे इतना मन करता है स्वीट्स खाने का, सो मैंने स्वीट्स ले लिए. आई एम नॉट हेल्दी आई नो दैट. Yes. हम बात मैट के ऊपर जगह रहे कि हम कौन सा कलर हमें लेना चाहिए. अधिकतर नानी का सारा घर का सामान की चॉइस मेरी है, एंड नानी यू हैव टू एडमिट दैट. तो आई थिंक वी शुड गेट द वाइट वन इंस्टेड ऑफ द ब्लैक वन. तो ये हमारी हो रही है शॉपिंग. आप देख ही सकते हो हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी वो घर को सजाने के लिए, पर धीरे धीरे सब हो जाए. अब हम आए हैं बेड कवर के सेक्शन में. यहाँ सब कुछ मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था. तो नानी अपने अच्छे लाइक बेड को सजाने के लिए अच्छे अच्छे बेड कवर्स देख रही है लाइक ड्यूवे सेट्स. तो देखते हैं कुछ पसंद आता है हमें या नहीं. हमें बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता है मुझे और नानी को, पर जब आता है तो बहुत कुछ. मैं आपको डिटेल्स में नहीं दिखाऊँगी, बस वो दिखाऊँगी जो वो एरिया दिखाऊँगी जो एरिया में हम हैं. अगर आपको ये पूरा स्टोर का व्लॉग चाहिए प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, एंड आपको हम दिखा देंगे. एंड ये बहुत ज़्यादा चीप भी है, बहुत ज़्यादा चीप स्टोर है, एंड अच्छी क्वालिटी भी है ये स्टोर की. एंड इट्स लाइक काफ़ी नोन भी है ये स्टोर भी है. गाइस सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लाइक इफ़ इट्स चीप तो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेंगी, पर बहुत उससे भी ज़्यादा लाइक सोच से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलेगी. हम आगे है किचन वेयर सेक्शन में जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है जो किचन के लिए है. तो नानी को टी कॉफ़ी जार्स चाहिए थे जो कि नानी को पसंद नहीं आया. यहाँ पर हमने ले लिए है, कुछ खास चीज़ें नहीं ली खुद हमें मिली नहीं, जिसके लिए हम आए थे वो चीज़ें हमें मिली नहीं, तो एडिशनल चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ख़रीद लिए. हमने शॉपिंग ले ली है जो जो हमें चाहिए था, जो जो हमें नहीं भी चाहिए था वो भी हमने सामान लिया है. तो अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टोर में दूसरी शॉपिंग करने. ये नहीं पता क्या खरीदे पर दूसरे स्टोर में जा रहे हैं. हम दिल्ली में जा रहे हैं. यहाँ पर नानी ने कहा है कि बेड कवर्स एंड शीट्स मैट सब मिलता है, तो हम यहाँ पहले आ चुके हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस स्टोर इज वो. और इस स्टोर का भी व्लॉग बन चुका है, बट काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ इस स्टोर में आए हैं. सो लेट्स सी जो नानी को चाहिए वो नानी को मिलता है या नहीं. काफ़ी चीज़ें जो हमें चाहिए वो अक्सर हमें नहीं मिलती जैसे अब तक हो गया है. लाइक करीज में जो हमें लाइक जो जो आइटम्स हमें चाहिए थे वो नहीं थे अवेलेबल. यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैसे ड्यूवे सेट्स है, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है, प्लेन है, बहुत अच्छे अच्छे. लेट्स सी अगर नानी को कुछ पसंद आता है, कोई पसंद आता है तो. यस बेसिकली हम यहाँ ख़ास मकसद से आए थे कि हमें बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स मिल जाए, बट वो नहीं हो पाया. सो वो तो मिले ही नहीं, एक भी नहीं मिला हमें. तो अब देखेंगे कि वो और कहाँ मिल सकते हैं. क्या लाइक बैक कैमरा करके आपको पूरी हिस्ट्री स्टोरी बता रही हूँ. तो यस गाइस अगर आपको मेरी नानी का हेयर स्टोर चाहिए डी कमेंट डाउन बिलो, एंड हम वी विल डू इट, वी विल ट्राई टू डू इट. पर अभी तो सेटअप हो रहा है सो अभी पॉसिबल नहीं है, बट यस डी कमेंट डाउन बिलो इफ यू नीड वन. You wanna see my nanny's new house? We, हम सारे बच्चे भी literally बहुत ज़्यादा हम excited है, cause yeah, बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है, cute सा. So yes, उसकी वजह से ही हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं. वरना अब ये हमारा लास्ट स्टोर है खोल B&Q, एंड इसमें हमें प्लांट्स मिलने की उम्मीद हो सकती है. सो नानी से लेट्स गिव अ ट्राई. तो मैंने भी कहा ओके लेट्स गो. एंड यहाँ पर प्लांट्स वैसे फ्लावर्स प्लांट्स पौधे सब कुछ मिलते हैं, पूरा गार्डन का गार्डनरी का सामान मिलता है. सो यह लेट्स चेक. जैसा है मतलब वैसा दिखने में है पर वैसा है नहीं. ये बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें बहुत खूबसूरत से प्लांट्स पौधे मिलते हैं. नानी सच्ची मुच्ची दे ओ होएगे कि ऑरेंज सच्ची वाले. तो गाइस आप देख सकते कितने नकली लग रहे हैं ना. और ये सच्ची मुच्ची वाले सो गाइस ये असली के ऑरेंज उग रहे हैं यहाँ पर. दे ग्रोइंग फेक पर सब कुछ यहाँ रियल है.
नहीं है मनी प्लांट आई मनी प्लांट है वो छोटे छोटे जे मनी प्लांट्स क्यूट सांदे बड़ा चीज है ना प्लांट मीना ने को चाहिए था वो मिल गया है पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है सो हमें छोटा सा चाहिए बेबी सा बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स है यहाँ पर अब उन्होंने कहा है कि लाइक आगे जाओगे तो छोटे बेबीज मिल सकते हैं बेबी प्लांट्स बेसिकली एंड या लेट्स गो गाइस इस स्टोर की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर यह पता है कि यहाँ पर सब गार्डनरी का सामान मिलता है उसके लाइक प्लांट्स काटने के उगाने के सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर या दैट्स क्यूट मिल गया हमें पर देखते हैं तो मुझे क्या मिला बेबी पाइन एप्पल्स एंड आई एम टेलिंग टू नानी मैं नानी को बोल रही हूँ कि लाइक बाय दिस वन एंड शी वाज लाइक लाफिंग ये बहुत सारे हैं ओह माय गॉड आई थिंक मुझे भी कोई लाइक छोटा सा गार्डन खोलना चाहिए लाइक गार्डन में ये सब रखना चाहिए But it's too hard to maintain these plants, you know. अपना सारा टाइम देना पड़ता है प्लांट्स को बिकॉज ये भी एक जान है एंड ऑफ द डे ओके डू बाय सम फ्लावर्स इज वेल ये कितने प्यारे लग रहे हैं स्पेशली दिस पिंक वंस गाइस हम राय ले रहे हैं कि कौन सा अच्छा है तो इन्होंने बहुत अच्छी राय दी थैंक यू सो मच बाय तो यस हमें राय मिल गई कहते भी ज़्यादा जितने कलर्स होएगे ना वो सही है प्लेन ग्रीन ज़्यादा सही नहीं है कलर्स जितने होएगे वो ज़्यादा सही है तो यस लॉक डाउन फॉर दिस खादा गया है अभी कलर ज़्यादा वही चंगा क्या खादा गया अभी कलर ज़्यादा सही ले लिया पर पढ़िया नहीं होया पढ़िया नहीं होया बस नानी ने कहा ये खादा गया खादा गया पर तुसी कह रहे हो उग जाएगा निकल आएगा पता है ये ला है भी है कलर हां है भी कलर तो बेसिकली हमें कलर वाला लेना है वो ज़्यादा अच्छा है तो गाइस अभी भी कम टाइम लगा पर हमने फाइनली चूज़ कर ही लिया कि हमें कौन सा प्लांट चाहिए था जो कि हमने ले लिया नाउ वी गोना गो समथिंग टू ईट हम खाने जा रहे हैं केसी वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग मतलब thing to eat so yes let's go sari shopping ho chuki hai fatafat se kuch khate hain cuz literally I am starving guys humne khane ke liye order kar liya hai and now we're gonna eat cuz I'm literally starving so yes hamara khana peena ho gaya tha and then hame bus catch karni thi cuz yahan buses bahut late aati hai to ab hum ja rahe hain ghar uske baad dekhte kya karte hain aur sari shopping khareed liye main चाय पीने के साथ में म्यूजिक सुनने की एंड वी आर रिलैक्सिंग हम नानी के घर पहुंच चुके हैं टी टाइम तो मेरी नानी के घर टी टाइम हो जाता है 3 बजे तो नानी हम सबको चाय देती विद हर फेवरेट बिस्किट्स एंड वी ऑल एंजॉय आवर टी तो वही मैं कर रही हूँ एंड यस गाइस मैं नानी के घर से अपने घर आ चुकी हूँ बिकॉज वीरा इज कमिंग होम इज वेल सो वीरा सेड के बी होम बिफोर मी तो मुझे नानी को बाय बाय बोल के अपने घर आना पड़ा बिकॉज ऑफ वीरा तो आज का दिन बहुत ही प्यारा गया स्वीट गया बिकॉज आई वॉज विद माई फेवरेट पर्सन ऑफकोर्स जाएगा तो यस दिस वॉज आवर डे गाइज एंड या मैं अपने प्यारे से छोटे से ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड एंड इफ़ यू डू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज इफ़ यू नीड टू इट बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली वेरी सून बाय बाय